चलो ये क्वेश्चन काफी बार मतलब नीट में AIPMT में काफी बार पूछा गया देखो। और इसमें एक स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग के तीन पार्ट मैं करता हूँ, L1 L2 L3, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी न्यू1 न्यू2 न्यू3 है। तो ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को लिखना है न्यू1 न्यू2 के टर्म में। चलो अब एक मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ, ये हमारे पास रोप है, इस रोप को मैं दोनों साइड बांध देता हूँ, अटैच कर देता हूँ, और इसमें मैं वाइब्रेशन जनरेट कर देता हूँ। डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ वाइब्रेशन इसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाएगी। उस फ्रीक्वेंसी को मैं जनरलाइज फॉर्म में लिख सकता हूँ NV2L, ऐसे लिख सकता हूँ, वेयर N इज द इंटीजर 1, 2, 3, 4, ये अलग अलग मोड ऑफ वाइब्रेशन में अलग अलग फ्रीक्वेंसी। अब समझने की कोशिश करना, तो इस फ्रीक्वेंसी को और अच्छे से मैं लिख सकता हूँ N/2L स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्सल वेव इन ए रोप। एक रोप में अगर मैं वेव जनरेट करता हूँ तो उसकी स्पीड क्या होती है, टेंशन डिवाइडेड बाई म्यू। म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। तो यहां से जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये बाकी सारे कॉन्स्टेंट है। तो बाकी अगर सारे कॉन्स्टेंट है तो अब इस रोप के मैं तीन पार्ट कर दूं। चलो इसकी लेंथ एल थी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी न्यू था। अब इसके मैंने तीन पार्ट किए, Part 1, Part 2, Part 3, लेंथ L1, L2, L3, फ्रीक्वेंसी न्यू1, न्यू2, न्यू3 बराबर है, तो ये हमें मिल गया। अब देखो अगर मैं इनमें इनको जोड़ूं तो मैं जोड़ सकता हूँ ना, L1 इज इक्वल टू L2 + L3 तो होगा भाई। अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखो तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/new = 1/new1 + 1/new2 + 1/new3, दैट इज हम लोगों का थर्ड ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, मैच कर गया, बराबर है। नेक्स्ट।